अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर रशील की इन दो ब्यूटी क्रीम्स के बारे में। जो एक क्रीम है वो वाइटनिंग के लिए है और जो सेकंड क्रीम है वो एंटी एजिंग क्रीम है। डॉक्टर रशील की एक बहुत बड़ी स्किन केयर है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, बट इस वीडियो में हम इनके रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन क्रीम्स की प्राइस के बारे में बात करेंगे और इनकी किस तरह से हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वाइटनिंग डे क्रीम के साथ। मैंने डॉक्टर रशील की ये चार प्रोडक्ट्स परचेज़ की थी। इनमें वाइटनिंग डे क्रीम है और एक नाइट क्रीम है। ये मैं आपके साथ जस्ट डे क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी और इसी तरह से मैं आपको नाइट क्रीम के बारे में भी गाइड करूंगी। जैसा कि इसके ऊपर मेंशन है वाइटनिंग क्रीम, तो ये आपकी स्किन को वाइट करती है, लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया, इसको यूज़ किया, तो इसका इस्तेमाल जस्ट जैसे फेयरनेस क्रीम होती है जो आपकी स्किन के ऊपर वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देती है, उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी वो असर नहीं रखती। मैंने जब इसको यूज़ किया था तो ये उस वक्त के लिए तो बहुत ज़्यादा स्किन को वाइट कर देती है, इतना ज़्यादा वाइट करती है कि दूर से ही साफ पता चलता है कि आपने फेस के ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइट चीज़ अप्लाई कर ली है। बहुत ही ज़्यादा विजिबल होती है वाइटनिंग आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन वो जस्ट तब तक होती है जब तक आपने अपने फेस को वॉश नहीं किया था। किसी भी तरह से आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए वाइटनिंग नहीं देती। आप इसको एज अ मेकअप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपनी स्किन को ट्रीट करना है किसी भी तरह से, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। आपकी स्किन को किसी भी तरह से ट्रीट नहीं करेगी। इसके ऊपर मेंशन है SPF 20 है, तो आप इसको डे टाइम में एज अ मेकअप प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको इसकी नाइट क्रीम के बारे में बताऊं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयलीनेस है, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, इतनी ज़्यादा कि आपकी स्किन के ऊपर चिपचिपाहट फील होती है। और आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑयली है तो वो स्किन के ऊपर पिंपल भी प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि जब आप स्किन के ऊपर मज़ीद ऑयल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वह आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, मोस्टली अगर जिनकी एक्नी वाली स्किन है। तो मैं ये क्रीम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आपने अगर अपनी स्किन को किसी भी तरह से ट्रीट करना है तो जस्ट मेकअप के लिए यूज़ करनी है तो ओके, अदरवाइज़ उसके लिए भी पैसे वेस्ट होंगे। सेकंड हमारे पास है इनकी एंटी एजिंग क्रीम। अम्मी ने 1 से 2 वीक के लिए यूज़ की थी और ये भी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे इन्होंने एंटी एजिंग क्रीम और स्किन वाइटनिंग क्रीम का सेम फार्मूला रखा है। फ्रेग्रेंस थोड़ी सी दोनों की डिफरेंट है। जो डे क्रीम है वो अच्छे से स्किन के ऊपर विजिबल होती है और आपकी स्किन को किसी भी तरह से ट्रीट नहीं करती। अगर पिगमेंटेशन है तो वो सेम उसी तरह रहेगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी स्पॉट्स हैं तो वो सेम रहेंगे। जो इसकी नाइट क्रीम है उसका भी सेम फार्मूला है, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है उसमें, जो फिर डेफिनेटली ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। इतनी महंगी प्रोडक्ट लेके भी अगर आपकी स्किन अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, वो आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को रिमूव नहीं कर रही, स्किन को वाइटनिंग नहीं दे रही, तो फिर वो आपकी स्किन के ऊपर नहीं वर्क करेगी अच्छे से। तो फिर आप डेफिनेटली कोई भी अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो आप ख़ुद बना सकते हैं घर में। और डे क्रीम में उसी तरह बहुत ज़्यादा वाइटनिंग ऐड की गई है जो जस्ट आपको एक फेयर लुक देती है, जो आपके फेस वॉश करने के बाद फ़ौरन ही रिमूव हो जाती है और स्किन के ऊपर किसी भी तरह से वर्क नहीं करती। तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स की बजाय कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करें या जिनके रिव्यू आपको अच्छे मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी डॉक्टर रशील की कोई भी प्रोडक्ट, ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।